दोस्तों राजस्थान में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले प्रदेश की गहलोत सरकार जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के लिए खास योजना लाई है। योजना मोबाइल को लेकर है, जिसके तहत महिलाएं अपनी पसंद का मोबाइल खरीद सकेंगी। सीएम गहलोत ने कहा है कि सरकार अगस्त में रक्षाबंधन पर ये योजना शुरू करेगी। जो फ्री मोबाइल, महिलाओं को फ्री मोबाइल, राशन किट की जो आपने नकदी देने की चर्चा की, उसमें सर क्या अपडेट्स हैं? क्या सरकार नकद पैसे देने जा रही है या मोबाइल देगी? देखिए, कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल क्या होता है, कई तरह के मोबाइल हैं। सरकार तो एक तरह का मोबाइल दे सकती है, अलग अलग कंपनियों के हैं तो एक कंपनी के तो मिल नहीं सकते। तो आपस में जब अगर मोबाइल मिलने के बाद में लगे कि मुझे इस ब्रांड का मिल गया, उसको इस ब्रांड का मिल गया, तो फिर आप जानते हो ये मोबाइल ऐसी चीज़ है, आप भी खरीदने जाओगे मार्केट में तो अपनी चॉइस कर लोगे, कितनी GB का लूँ मैं, कौन से ब्रांड का लूँ। हर व्यक्ति GB भी जाएगा अपनी पसंद की, कितनी कैपेसिटी GB में लूँ, कौन सा मैं मॉडल लूँ। इस चक्कर में पड़ने के बजाय हम ये प्रयास कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, आप अपना काउंटर लगाओ, जैसे मतलब ये महंगे रात के लगे हैं, काउंटर में पब्लिक को चॉइस देंगे, आप जाओ, आप जाके मोबाइल चॉइस करो अपने खुद का। मोबाइल स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट लो जिससे कि हम मैसेज दे सकें बाद में भी। और स्मार्टफोन का उद्देश्य यही है महिलाओं की सशक्तिकरण, अपनी चॉइस का लो। अगर उनकी कैपेसिटी ज़्यादा पैसे की है, हम मान लो फिक्स अमाउंट देंगे उनको, मान लो 5,000 रुपये हम देंगे, मान लो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना हम दे पाएंगे, तो अगर वो कहे मैं तो 10,000 लूँगा तो तेरे अगर पैसे तुम ले लो उसको, और 4,000 के लूँगा मैं तो 1,000 रुपये उसके बच जाएंगे। ऐसा हम सोच कर रहे हैं, कोई ना कोई तरीका निकालें जिससे कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी करें और लोगों को अच्छा भी नहीं लगे कि मुझे ये मिल गया, उसको ये मिल गया, पक्षपात हो गया। ये हमने चाहते हैं कि ये बिना मतलब का डिस्कशन बाद में शुरू हो। महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले एक निश्चित नगद राशि देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार एक तरह के मोबाइल दे सकती है, पर बाजार में कई प्रकार के मोबाइल हैं, इसलिए हम लोगों को विकल्प देंगे कि आप जाओ अपनी पसंद का फोन लो, एक निर्धारित राशि देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने कहा है कि हम फ्री में स्मार्टफोन देंगे, जिसमें आपको 3 साल तक की इंटरनेट फ्री मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि हम फ्री में स्मार्टफोन देंगे, जिसमें आपको 3 साल तक फ्री इंटरनेट मिलेगा। गहलोत ने बजट 2021 में राजस्थान की 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था। कुछ समय पहले उन्होंने इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन से चरणबद्ध तरीके से स्मार्टफोन देने की बात भी कह चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे इस योजना को लेकर कहा कि मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको अपनी पसंद का मोबाइल मिल जाएगा। जैसे कितने GB का मोबाइल खरीदना है, कौन सा ब्रांड खरीदना है। मुख्यमंत्री गहलोत की वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ स्मार्टफोन दिया जाना है, और इसके तहत चिरंजीवी परिवार की सभी लगभग 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस साल फरवरी में सरकार ने विधानसभा में एक जवाब में कहा था कि राज्य सरकार की ओर से चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, बाद में पूरक मांग में 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, वर्तमान में 2,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 30 जनवरी 2023 तक 1,37,82,951 परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।